प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम मारक ग्रह के विषय में बात करेंगे। मारक ग्रह वो होता है जो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक कष्ट और मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु तक भी देता है। तो ये कौन कौन से जो है मारक ग्रह होते हैं, किस किस लग्न के अंदर, आइए हम इसको समझते हैं। मेष लग्न के अंदर शुक्र और बुध मारक ग्रह होते हैं। वृष लग्न के अंदर चंद्रमा और गुरु मारक ग्रह होते हैं। मिथुन लग्न के अंदर चंद्रमा और मंगल मारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न के अंदर शुक्र और शनि मारक ग्रह होते हैं। और सिंह लग्न के अंदर शनि और बुध मारक ग्रह होते हैं। कन्या लग्न के अंदर मंगल और चंद्र मारक ग्रह होते हैं। और तुला लग्न के अंदर गुरु और मंगल मारक ग्रह होते हैं। वृश्चिक लग्न के अंदर बुध और शुक्र मारक ग्रह होते हैं। और धनु लग्न के अंदर शुक्र और शनि मारक ग्रह होते हैं। और मकर लग्न के अंदर चंद्रमा और सूर्य मारक ग्रह होते हैं। और कुंभ लग्न के अंदर सूर्य और गुरु मारक ग्रह होते हैं। और मीन लग्न के अंदर शुक्र और शनि मारक ग्रह होते हैं। तो ये 12 लग्नों के अंदर मारक ग्रह इस तरह से होते हैं। मारक ग्रह हमने देखा कि प्रत्येक लग्न के अंदर मारक ग्रह हमेशा दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, ग्यारहवें और बारहवें भाव में ही ये मारक ग्रह पड़ते हैं। और ये अपने दशा अंतरदशा में व्यक्ति को परेशानी देते हैं। और यदि ये अगर इनका बल कम होता है, यदि जैसे मान लो कि ग्रह जो है जीरो मतलब एक से पाँच अंश तक होता है मान लो, तो ये बाल्यावस्था होती है। और इसी तरह से यदि 25 से लेकर 30 तक अंश में होता है तो ये मृत अवस्था होती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना फल इतना बुरा नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर क्षमता ही जो है नहीं है फल देने की, इसलिए इनका जो है फल कमजोर ही रहता है, मारक जो ना इतना नहीं कर पाते। और यदि मान लो मार्केश के अंदर, यदि मार्केश जो है जैसे दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी या जो भी मार्केश बने, यदि उनके साथ में शनि अगर बैठ जाता है तो शनि जो है प्रबल मारक हो जाता है, क्योंकि शनि जो है मृत्यु कारक भी है। इसी तरह से ये शनि जो है अपना फल और थोड़ा सा खराब करता है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह जो मारक है वो कभी भी लग्न का मित्र नहीं हो सकता, हमेशा ये शत्रु रहते हैं। कोई भी उठाकर देख लो, हम जैसे जो भी हम देखते हैं लग्न में, हम मान लो अगर मेष लग्न में अगर हम देखते हैं तो मेष लग्न के अंदर बुध और शुक्र जो है ग्रह जो है ये मारक होते हैं, जो कि दोनों के दोनों मंगल के शत्रु हैं। तो इसी कारण से मतलब कोई भी मारक ग्रह किसी भी लग्न में मित्र नहीं होता, सभी के ये शत्रु होते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि सूर्य और चंद्रमा हमारे जो है कई लग्नों में मारक ग्रह बनते हैं। जैसे वृष लग्न के अंदर चंद्रमा बनता है मारक, और मिथुन लग्न के अंदर और कन्या लग्न के अंदर चंद्रमा बनता है। और इसी तरह से ये मकर लग्न के अंदर भी चंद्रमा बनता है। और दो लग्नों के अंदर मकर और कुंभ के अंदर सूर्य मारक ग्रह बनते हैं। तो ये ज्योतिष में ये कहा गया है कि कभी भी सूर्य और चंद्रमा कभी बुरा इतना बुरा फल नहीं करते, क्योंकि इनको ज्योतिष के अंदर इनको
माता पिता के रूप में माना गया है। सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता, और माता पिता कभी भी अपने बच्चों को जो है नहीं मारते, मृत्यु मतलब नहीं देते। और ये है कि यदि बात गलती भी करता है बच्चा तो वो थोड़ी सी डांट कर और थोड़ा सा सजा देकर उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा ये मारक जो ना इतने कष्ट नहीं देते व्यक्ति को, और मृत्यु तो देते ही नहीं है। तो ऐसा जो है सूर्य और चंद्रमा का बताया गया है। तो मारक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर व्यक्ति को अपयश, मान हानि और शारीरिक कष्ट और परेशानी इस तरह से देते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए यदि मान लो मारक ग्रह की दशा होती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, और उस ग्रह की जो मारक ग्रह है उसकी जो है पूजा अर्चना करें और उसका बीज मंत्र का जो है जाप करें, तो उससे थोड़ा सा ग्रह शांत होता है और कष्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मारक ग्रह हमेशा ही जो है थोड़ा सा कष्ट देते हैं। अब जैसे मान लो सप्तम भाव और दूसरा भाव जो है हमारा, ये प्रबल मारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये आयु के ह्रास करते हैं। जैसे सप्तम भाव है हमारा, ये लगन से जो हमारा अष्टम भाव पड़ता है वो हमारा आयु का भाव है, और आयु का सप्तम भाव जो है वो बारहवा पड़ता है, जो कि आयु का ह्रास करता है, यानी कि आयु की हानि करता है। और इसी तरह से यदि भावत भावन के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अष्टम से अष्टम हमारा तीसरा स्थान पड़ता है, वो भी हम आयु का स्थान मानते हैं, और उससे द्वादश हमारा दूसरा स्थान पड़ता है। तो इसको दूसरे स्थान को और सातवें स्थान को हम प्रबल मारक मानते हैं। जब मृत्यु खंड आता है तो उस वक्त जो है व्यक्ति की मृत्यु भी इन दशाओं में हो जाती है। तो ये और इनमें दूसरा स्थान और भी ज़्यादा अधिक मारक माना गया है। तो ये मारक ग्रह हमारे इस तरह से बनते हैं लग्नों के अंदर। और आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।